हेलो दोस्तों, मेरा नाम पीयूष है और आप देख रहे हैं मोटिवेशन विद पीयूष। दोस्तों, मैं पहले उन लोगों से कहना चाहूँगा जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ कृपया करके वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज की हमारी स्टोरी है नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। दोस्तों, अगर हम अपनी लाइफ को रिकॉल या याद करें तो हमने अपनी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी या अवसर को मिस कर दिया होगा और इसके लिए हर इंसान का अपना अलग अलग बहाने होते हैं। पर कुछ लोग होते हैं जो जानते हैं कि इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आज मैं उनमें से ही एक लेडी की आपको एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। बस उसकी लाइफ में एक प्रेरक था जो उसकी लाइफ को, जो आज उसकी स्टोरी बनी प्रेरणादायक, तो उसकी लाइफ में एक प्रेरक था। दोस्तों, हमारी भी लाइफ में अगर एक एक मतलब कोई हमें मोटिवेट करता तो हम भी आज अपनी लाइफ में कुछ अच्छा सा, कुछ अच्छे मुकाम पे पहुंचते। तो दोस्तों, ये चैनल का यही काम है कि आपको मोटिवेट करेगा। तो दोस्तों, आज की हमारी जो कहानी के स्टार हैं उनका नाम है विल्मा रुडोल्फ। दोस्तों, विल्मा रुडोल्फ काफ़ी गरीब घर से थी। उनको 4 साल की उम्र में पोलियो हो गया था और वह विकलांग हो गई। विल्मा रुडोल्फ कैलिपर्स के सहारे चलती थी। डॉक्टरों ने भी हार मान ली थी और उन्होंने कह दिया था कि विल्मा रुडोल्फ कभी ज़मीन पर नहीं चल सकती। विल्मा रुडोल्फ की माँ बहुत ही पॉजिटिव थिंकर थी और विल्मा को हमेशा प्रेरणा देती रहती थी। एक दिन ऐसे ही एक बात पे विल्मा ने अपनी माँ से कहा, क्या मैं दुनिया की सबसे तेज धावक बन सकती हूँ? माँ ने विल्मा से कहा कि ईश्वर पर विश्वास, मेहनत और लगन से तुम जो चाहोगी वह प्राप्त कर सकती हो। 9 साल की उम्र पर विल्मा ने अपने पैरों से ब्रेस निकलवा दिए और चलना प्रारंभ किया। फिर उसके बाद कैलिपर्स भी उन्होंने उतरवा दिए और स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में विल्मा 4-5 बार गिरी और उनको दर्द हुआ, बट तब भी उन्होंने हार नहीं मानी और 13 वर्ष की आयु में उन्होंने पहली बार दौड़ में पार्टिसिपेट किया। वो हमेशा अंतिम स्थान पे रहीं, बट उनमें हिम्मत नहीं ख़त्म हुई। उन्होंने दोबारा फिर से दौड़ में पार्टिसिपेट करने की प्रेरणा जाहिर की। 15 साल की आयु में उन्हें यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला। यूनिवर्सिटी में एडमिशन के टाइम पर उनके कोच थे टेम्पल, जो कि उस टाइम पर काफ़ी फेमस थे। एट टेम्पल से मिलने के बाद विल्मा ने उनसे जाहिर किया कि मैं दुनिया की सबसे तेज धावक बनना चाहती हूँ। तो एट टेम्पल ने उनसे कहा, तुम्हारी इसी इच्छा शक्ति की वजह से कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता और मैं इसमें तुम्हारी मदद करूँगा। विल्मा लगातार कड़ी मेहनत की एवं आखिरकार उसे ओलंपिक में भाग लेने का मौका मिल गया। विल्मा का सामना एक ऐसी धावक से हुआ जिसे अभी तक कोई नहीं हरा सका। उसका नाम था जुत्ता हैन। पहली रेस 100 मीटर की थी जिसमें विल्मा ने जुत्ता को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया। दूसरी रेस 200 मीटर में भी विल्मा ने के सामने जुत्ता ही थी। इनसे भी विल्मा ने जुत्ता को हराकर दूसरा स्वर्ण पदक जीत लिया। तीसरी दौड़ 400 मीटर की रिले रेस थी। विल्मा का मुकाबला एक बार फिर से जुत्ता से ही हुआ। रिले में रेस का आखिरी हिस्सा टीम का सबसे तेज एथलीट ही दौड़ता है। विल्मा की टीम के 3 लोग रिले रेस के शुरुआती 3 हिस्सों में दौड़ को आसानी से टेपन बदली की। जब विल्मा के दौड़ने की बारी आई तो उनसे बेटन छूट गई, लेकिन विल्मा ने देखा कि दूसरे छोर पर जुत्ता हैन तेज़ी से दौड़ी चली आ रही हैं। विल्मा ने गिरी हुई बेटन उठाई और मशीन की तरह तेज़ी से दौड़ी तथा जुत्ता को तीसरे फिर से उन्होंने जुत्ता को हराया। दोस्तों, इस तरह विल्मा ने 3 बार गोल्ड मेडल जीता और इस तरह एक विकलांग महिला जिसे डॉक्टरों ने कह दिया था कि वह कभी
चल नहीं पाएगी, विश्व की सबसे तेज धावक बन गई। इस तरह साबित होता है कि दुनिया में कुछ भी पॉसिबल है, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। दोस्तों इस कहानी से, इस स्टोरी से हमें यही समझ में आता है कि अगर हमारी लाइफ में कोई मोटिवेटर या जैसे कि हमारे माता पिता या हमारे गुरु अगर हमें मोटिवेट करें तो हम किसी भी सक्सेस या किसी भी कामयाबी को छू सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।